दौर में ज्यादातर युवा गलत चीजों की ओर बढ़ रहे, सभी युवा। जय हिंद दोस्तों, जय माकल। मैं आपका दोस्त बलवीर सिंह, स्वागत है आपका क्षत्रिय प्राणायाम के अगले अभ्यास में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्षत्रिय प्राणायाम के कुछ ऐसे 5 प्रमुख अभ्यास जो स्पेशली आपके रिलेटेड रहेंगे पेट से संबंधित, जिसके अंदर आपका पैनक्रियास, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम, आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही, और यानी आपकी नाभि भी एकदम स्वस्थ रहेंगी, डिसबैलेंस नहीं होंगे आपकी बॉडी के अंदर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट, कभी भी क्षत्रिय प्राणायाम का अभ्यास बिना लंगोट के नहीं करना, और कभी भी इसको बॉडी के अंदर गर्मी आने के बाद ही करना, हो सके तो खुले में शुरू करने की कोशिश कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों क्षत्रिय प्राणायाम का पहला अभ्यास, जिसके अंदर आपको 2 समतोला मुखी लेकर एक पैर उठाना है, 2 हाथ उठाने हैं नोक क्रिया में जाते हुए, जिससे आपके पैनक्रियास के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कारगर, और जिनकी नाभि बात बात को सरक जाती, नेवल डिस्प्लेसमेंट जिसको होता, उसके अंदर इसके इस अभ्यास से उनको बहुत ज़्यादा ही लाभ पहुँचेगा। इसको थोड़ा और कठिन बनाने के लिए, जब आप एक पैर उठा रहे तो अब उसको होल्ड करना है हवा में कम से कम 5 सेकेंड के लिए। बिल्कुल एक्सरसाइज से जो युवा है उसे तेजी से कर सकते हैं, जो वृद्ध और जो मेरी माताएं बहने हैं वो इसे धीरे धीरे से करिए। ये था दोस्तों पहला अभ्यास, आइए बढ़ते दूसरे अभ्यास की ओर। दोस्तों क्षत्रिय प्रणाम के अगले अभ्यास में स्पेशली आपके गैस के लिए, जिसको पेट में जल्दी गैस हो जाता, खाना अच्छे से पचता नहीं और खाना ऊपर ही ऊपर अड़ते रहता, उसके लिए यह अभ्यास बहुत अच्छा। इसके अंदर आपको समतोला उठाने के बाद, समतोला इतना उठाना है आपको कि आपके पैर यानी घुटने समतोला के अंदर आ सके। जब आप इसको उठा रहे तो आपको कपाल भाती मारते हुए अंदर लाना है, बाहर ले आना है, अंदर लाना है, बाहर ले आना है। इस अभ्यास को माताएं बहनें और वृद्ध जो बुजुर्ग हैं ऐसा ऐसा से करिए, जो युवा है उसे तेजी से कर सकते। आकाश तेजी से करो। समतोला का ये अभ्यास बहुत ही कारगर। आइए बढ़ते अगले अभ्यास की ओर। दोस्तों ये कठिन अभ्यास कुछ और ज्यादा कठिन ही है, मेरी माताएं बहनें बहुत ही छोटे समतोला से इसे अभ्यास करिए। जो युवा है वो जितना उनके पास ताकत, जितनी कैपेसिटी, जितना स्टैमिना है उससे ऐसा कर सकते हैं। ये स्पेशली आपके पैनक्रियास के लिए, आज के दौर में ज़्यादातर युवा गलत चीज़ों की ओर बढ़ रहे, सभी युवा नहीं लेकिन कुछ खराब दोस्त रहने की वजह से, जैसे शराब हो गया और कई सारे गंदे आदतें चीज़ें हैं, जैसे कि फास्ट फूड हो गया, यानी आपके पैनक्रियास को एकदम खराब कर दे रहा हुआ, जिसको सुधारने का मात्र और बहुत कारगर तरीका जो प्राचीन काल से चले आ रहा है पैनक्रियास यानी अग्नियाशय के लिए, उसके लिए आपको समतोला उठा के करवट बदलना है। जब आप ऊपर उठ रहे तब आपको कपाल भाती जोर से मारना है, श्वास पूरी बाहर निकालने के बाद ही आपको करवट बदलना है। ये बहुत ही कठिन अभ्यास और जो युवाओं को सिक्स पैक्स का इच्छुक है उनके लिए बहुत ही कारगर। ये बढ़ते अगले अभ्यास की ओर। दोस्तों जिनकी नाभि सरकते जाती जल्दी, यानी थोड़ा भी कुछ वजन उठाने से सरकना होता रहता, वो उसके लिए ये अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ये अभ्यास करने से पहले मैं एक पिछली वीडियो भी डाला था कि नाभि कैसा सेट करना है, एक बार जरूर देख लीजिए आप। वो अभ्यास देखने के बाद ही इस अभ्यास को करना है आपको। इसके अंदर आपका जो ब्रह्मनाड़ी है, यानी जो आपके नाभि से लेकर छाती तक जाता, मस्तिष्क तक जाता, उसके अंदर ये बहुत ही कारगर। आपकी नाभि कभी नहीं सरकेंगी, बॉडी के अंदर डिसबैलेंस कभी नहीं होगा, कई सारे रोग आते हैं नाभि से। और जो चाय पीने के बाद जिनको पेट के अंदर कब्ज हो जाता, भूख नहीं लगती, मेरे कई सारे ऐसे परिचित लोग हैं जो सुबह में एक चाय कर लिए तो बस खत्म, उनका नाश्ता वही, लंच वही, डिनर वही, खाना एक टाइम को नहीं खाएंगे लेकिन चाय जरूर पियेंगे वो लोग। तो वो लोग अगर इस अभ्यास को कर रहे तो उनके पेट के जितने भी दोष है, जितने भी रोग है पूरे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इस अभ्यास को करते हुए जब आप ऊपर उठ रहे हैं तो श्वास आपको कुंभक लगा के उठाना है, और इसके साथ ही इस अभ्यास में आपके कंधे भी मजबूत चौड़े होंगे,
आपकी कमर के अंदर भी अच्छी खासी जान आ जाएगी, आपका पेट तो एकदम, यानी आपके आज के अभ्यास में जितने भी बताया, आपके अंतड़ियों का एक अच्छे से मंथन होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ अभ्यास, क्षत्रिय प्राणायाम के अभ्यास आपके स्पेशली स्टमक के लिए, आपके नाभि के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, पैनक्रियास के लिए, यानी आपके पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं, रोग मुक्त रहने की। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी कमज़ोर नहीं रहना, स्वस्थ रहना और बलवान भी रहना। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों आपको तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय महाकाल।